ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস স্টাডিজ বা IIBS এই প্রথম শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদার্পণ করলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা ANU সঙ্গে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার একটি অংশ হতে চলেছে। প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের আগামী মাস থেকে বিদেশে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডক্টর জয়প্রকাশ। IIBS जो है वन ऑफ द लीडिंग बी स्कूल है इंडिया में। हमारा चार कैंपसेस है, दो बेंगलोर में है, एक नोएडा में है, एक कोलकाता में है। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने 6000 से ज़्यादा MBA ग्रेजुएट प्रोड्यूस किया है। आज किसी भी MNC की बात करेंगे इंडिया में तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे आज टॉप लेवल पर नहीं हैं। तो आज ये बहुत कम समय में 10 साल में ये जो ख्याति लेने के बाद हमें ऐसा लगा कि इंडिया में तो हम काफ़ी कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर दें। तब हमने सोचा कि क्यों नहीं हैव अ टाई अप विद अमेरिकन यूनिवर्सिटी, क्योंकि वर्ल्ड में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि अमेरिका सबसे आगे है। क्यों आगे है? कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इसलिए क्यों नहीं ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ हम टाइप करें जहाँ पे हमारे बच्चों को ऐसा एक्सपोजर मिले जो वर्ल्ड में वहाँ के लोग सबसे अच्छा कर रहे हैं। यही पर्पस था। और एक कोलैबोरेशन से एक ये भी बेनिफिट है कि जो बच्चे आज डायरेक्टली जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, तो ट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। ANU का भी ट्यूशन भी $28,000 है, लेकिन बच्चे अगर हमारे थ्रू जाते हैं, एक साल बच्चे IIBS में पढ़ते हैं, एक साल ANU में पढ़ते हैं, तो उनका ट्यूशन भी $28,000 से $11,000 आएगा। तो काफ़ी बेनिफिट भी है बच्चों को। और अपने इंडिया जो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है और $28,000 एफोर्ड करना काफ़ी टफ है, इसलिए सोचा कि ऐसा एक MU करें जो बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर मिले और जो हमारे बच्चे भी और अपने नेशन भी को हम डेवलप अमेरिका की तरह कर पाए। অনুষ্ঠানে ছিলেন কলকাতা ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর সৌমেন চ্যাটার্জি ও নয়ডা ক্যাম্পাসের ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর লাল্লা সালগোলকার। IIBS যে আছে, IIBS এ তিনটে আমাদের যে সেন্টার আছে, ব্যাঙ্গালোরে দুটো, নয়ডাতে আছে, কলকাতাতে আছে। এইটার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টুডেন্টদের কোয়ালিটি এডুকেশন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তারপর ওকে প্লেসমেন্ট করানো। এখনও অবধি আমরা মোর দেন 5,000 স্টুডেন্টকে অনেক ডিফারেন্ট কোম্পানিতে প্লেসমেন্ট করিয়েছি ইন্ডিয়াতে, অ্যাব্রোডে। শুধু UAE আমাদের মোর দেন 200 স্টুডেন্টরা প্লেসমেন্ট পেয়েছে। এখানে আমাদের যে কোয়ালিটি এডুকেশন আর যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যেটা কি আমরা একদম স্টার্টিং থেকে করছি, ওই জন্যে স্টুডেন্টদের প্লেসমেন্ট পেতে এত সুবিধা হচ্ছে। IIBS আজকে মেনলি জানা হয় প্লেসমেন্টের জন্য, কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য। অনেক এমন স্টুডেন্ট আছে যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড থেকে পড়ে আসছে বা হিন্দি মিডিয়াম থেকে পড়ে আসছে, তাদের আমরা ফার্স্ট ডে থেকে কমিউনিকেশন ক্লাস করাচ্ছি, তাদের আমরা গ্রুমিং করাচ্ছি, স্মার্টনেস করাচ্ছি, ড্রেসিং সেন্স করাচ্ছি, তাদের মোর দেন 10 মক ইন্টারভিউতে যাতে প্র্যাকটিস ইন্টারভিউ ওদের আগে হয়ে যায়, এইগুলো সব করানোর পরে স্টুডেন্টদের প্লেসমেন্ট পেতে খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে। अभी तो हम लोगों ने कोलैबोरेशन अमेरिकन नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ किया है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ प्रोग्राम ग्लोबली एक्सपांडेबल। हमारे आगे जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि हम लोग कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ करें, न्यूजीलैंड के साथ करें, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ एंड ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन कंट्रीज़, इन सारों के साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्लोबली और ज़्यादा उन्हें एनवायरनमेंट मिले और दे बिकम ग्लोबल।